वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। भगवान श्री कृष्ण इस अनमोल वचन के माध्यम से कार्य करने की नियत का उल्लेख करते हैं। जब किसी भी कार्य करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वो काम न तो सही होगा और न ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे, तो वो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हितप्रद होगा। नर्क के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता हो, जिसके मन में लोभ होता है, और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नर्क के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नर्क में ही जगह मिलती है। जो आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते, तो जो खोया उसके लिए मत रो। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षणभंगुर हैं, वे आते हैं और जाते हैं। उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। समय एक सा नहीं रहता। आज दुहक है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुहक भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लें, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, तो मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता अपने को श्री कृष्ण में लीन करने में मिलती है। मन चंचल है इसे, और संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश में हो जाता है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए, तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है। बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है, तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए। फल समय खुद देगा। न तो समय रुकता है और न ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय, बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा, और अच्छा तो फिर बुरा समय जरूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। आप सिर्फ कर्म करिए फल की चिंता किए बगैर। समय आने पर फल जरूर मिलेगा। मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता। हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे, आप वैसी ही फसल ही काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे, आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो ऐसे कर्म करेगा। वीडियो अगर पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।